गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 8th क्लास से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो स्टार्टिंग, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है, ए बी सी डी यहाँ पे साइड और गिवन है। तो स्टार्टिंग करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम साइड लेते हैं ए बी। ए बी यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे आपके जीरो से स्टार्टिंग होगी, पॉइंट आपका जीरो से स्टार्टिंग, फोर के बाद फाइव पॉइंट तक आपका ये आपकी लाइन एक ड्रा करेंगे। इस प्रकार से आपकी ये हो जाएगी 4.5, ये आपकी होगी ए बी पॉइंट, ए बी 4.5 सेंटीमीटर। सेकंड हमारे पास ए बी सी आपका अप्रोक्सीमेट पॉइंट, एक बार रफली आप लिख नोट कर लें, सी और डी इस प्रकार से मिलेंगे। बी से सी की जो डिस्टेंस है वो है 5.5। आप चेक करेंगे जीरो से 5.5, ये आपकी 5.5। बी से आप कट लगा देंगे 5.5 पे, एक आर्क लगाएंगे। फिर ए से बी सी देखेंगे, बी से सी हमें चेक कर ली, ए से सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो ए से सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर ए से इस पॉइंट को, ताकि हमारा ये पॉइंट आपका फिक्स हो जाए। अब इनको ज्वाइन कर दें, ये आपके बन जाएगा सी पॉइंट। साथ साथ इनकी साइड वगैरह लिखते रहें और कंस्ट्रक्शंस भी लिखते रहें। ये आपकी बी यहाँ पे थी 5.5 सेंटीमीटर। ए बी सी हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अब है ए से डी 6 सेंटीमीटर, ए से डी हम चेक करेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर खोला अपने प्रकार और इस प्रकार से एक आर्क। फिर सी से डी हम चेक करेंगे, सी से डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये आपने 4 सेंटीमीटर लिया और एक आर्क इसको कट कर दिया, ये 6 सेंटीमीटर आपका थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो ये आगे बढ़ा दिए, यहाँ पे कट किया, इस प्रकार से इसको मिला दें। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, साइड इसकी लिखते रहें, ए बी 4.5 है, बी सी आज की है, सी डी, सी से ये आपका पॉइंट डी आज के है, सी डी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, ए डी, ए सी डी 6 सेंटीमीटर होगी, ए सी 7 सेंटीमीटर। और कंस्ट्रक्शंस इसके लिखने के लिए मैंने एक किस्म की कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख के बता दी हैं, और आपको ट्राई करें साथ साथ जो साइड आप लिखते हैं ये हमारे पास कंस्ट्रक्शंस रहेंगी। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में हमें ए बी लाइन ली 4.5, फिर हमें एक आर्क ली थी 5.5 सेंटीमीटर। साथ साथ इसमें भी दिखा देते हैं आपको, ये आपके क्वेश्चन, यहाँ से आपके पास सबसे पहले ए बी 4.5 सेंटीमीटर, सेकंड आपका रहेगा ड्रायर रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन बी पॉइंट से हमें 5.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाई थी, सेंटर हमें बी को मानना था, जो इंटरसेक्ट करता है आपका सी पॉइंट पे आ जाएगा। फिर सी से ए और सी से बी को मिलाया, सी से ए को हमें मिलाया था, सी से बी को मिलाया, ड्राई आर्क हमें को एक आर्क ली 4 सेंटीमीटर, रेडियस सी, टेकिंग सेंटर सी, सी को सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर की, और ए को सेंटर मान के हमें 6 सेंटीमीटर की, और दोनों को हमें मिलाया, हमारे पास रिक्वायर्ड जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन से लिख सकते हैं, साथ साथ जो भी स्टेप आप करते हैं उसी को साथ साथ लिखते रहें। सेकेंड एक और पार्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जे यू एम पी, सपोज करो जे आपका यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, पी इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, हमारे पास सबसे पहले जे यू, जे यू यहाँ पे हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा की। फिर आपके पास जे यू आपकी आ चुकी है, यू एम, यू से एम आप 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाएंगे, यू से एम आप 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे, इस प्रकार से एक आर्क लगा दें यू से एम। अब आप देखें जे से एम आपके पास है या नहीं, जे से एम आपके पास, जे से एम आपके पास नहीं है, एक बार इसको यहीं पे छोड़ दें। अगला स्टेप देखें, जे से पी आप चेक करें, जे से पी आपके पास 4.5 है, ये आपके पास 4.5 है जे से पी, तो ये आप इस प्रकार से लगा दें, जे से पी भी आपके पास आ चुकी है, यू से आपने एम
यू से एम आपने लगा चुके हैं, एम और पी से जे आप लगा चुके हैं। अब यू से पी देखें, यू से पी आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास रहेगी 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 पी से यू, ये यू और ये पी आपको कट किया, इनको आप मिला दें, इस साइड से इसको भी आप मिला दें एक बार, ये भी आपने मिला दिया। अब आपके पास बचती है एम से पी, एम आपका ये है, पी पॉइंट आज के है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे करेंगे, ये आपके 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर पे कट किया और इसको आप मिला दें, आपका ये क्वाड लेटरल जो है जे यू एम पी आपका बन चुका है। जो साइड आपने पहले ली उसको पहले कंस्ट्रक्शन में आप जैसी साइड लिखते हैं, जो काम पहले करते हैं उसी के अकॉर्डिंग साथ साथ लिखते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम दिया गया, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को आपको ही पता है कि प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एम ओ आर ई हमारे पास कोई रफली एक बार डायग्राम बना लें। यहाँ पे ओ आर आपका है, ओ आर ये आपकी 6 है, तो आपके पास ये भी आपकी 6 रहेगी। आर से ई आपके पास 4.5 है, तो आपके पास ये भी आपके पास 4.5 रहेगी। अब इस बेस पे हम बनाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास ओ आर गिवन है, ओ आर है 6 सेंटीमीटर, तो ओ आर यदि आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर पे ड्रा करें, ये 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें, ये आपके पास रहेगी ओ आर, यहाँ पे आपका मिलेगा एम ओ आर, यहाँ पे आपका मिलेगा ई। तो अब आपको पता है ओ से यहाँ पे ओ से ई पॉइंट इस साइड, तो आप आर से ई देखें, आर से ई आपके पास 4.5 है, आर से ई आपके पास 4.5, आर से ई आप ड्रा कर लें 4.5, ये आपने ड्रा की। फिर ई से ओ आपके पास 7.5 है, ये आपकी 7.5, ये आपकी 7.5, इसको आप ज्वाइन करा दें, यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन करवाया, इस साइड से इसको ज्वाइन किया, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4.5 है, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो भी आपकी कितनी रहेगी 4.5, तो आप यहाँ पे 4.5 लें, ये आपकी 4.5, ये 4.5, ये 6 है, तो ये भी आपकी कितनी रहेगी 6 रहेगी, तो ये भी आपकी 6 यहाँ से आप लगा सकते हैं 6, इस प्रकार से इसको भी आप ज्वाइन करा दें। कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते रहें, जो आप स्टेप करते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम एम ओ आर ई कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक रोम्बस, रोम्बस में आपको पता है कि साइड होती हैं वो चारों इक्वल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास बी ई, बी ई हमारे पास है 4.5, ये आपके पास बी ई साइड हो गई, बी ई यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेट एस, यहाँ पे टी, तो आपके पास जितनी भी साइड हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई टी, यहाँ पे जो डायगनल गिवन है 6 सेंटीमीटर, पहले एक बार डायगनल को लगा दें, डायगनल हमारे पास है 6, ये ई से टी पे जो हमारे पास एक डायगनल लगाएंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास फिक्स रहेगा, ये भी आपके 4.5, यहाँ से भी आपका 4.5 और यहाँ से भी आपका रहेगा 4.5, चारों पॉइंट्स को आप मिला दें, ये पॉइंट भी मिला दें और इसी के साथ ये पॉइंट भी आप मिला दें, ये आपका एक रोम्बस BEST जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और यदि कंस्ट्रक्शंस में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ साथ कंस्ट्रक्शंस में जो स्टेप आप कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखते रहें। थैंक यू।